हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको नेल्स को कैसे क्लीन रखा जाए, फिंगर्स हैंड्स को, तो वो वीडियो मैंने अपलोड किया था। अब हमारे जो हैंड्स नेल्स हैं वो क्लीन हो चुके हैं, तो इस वीडियो में आज हम सिंपली नेल पेंट कैसे अप्लाई करें, तो वो मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ वीडियो। इसमें मैंने कई शेड्स हैं मेरे पास, तो मैंने जो अपने लिए चूज़ किया है, ये मेरे पास टर्कोइज ब्लू है, तो ये मैं आज अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। तो ये शेड है मेरे पास टर्कोइज ब्लू। तो सबसे पहले हमने जो है नेल पेंट, जैसे हमारा ये काफ़ी फ्रेश है, तो जैसे ही हम नेल पेंट खोलते हैं और उसमें से ब्रश को बाहर निकालते हैं, तो एकदम से ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स आते हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स को नहीं निकालना है। तो थोड़ा सा हम इसको साथ में टच करके इसको कम कर लेंगे क्वांटिटी को, ताकि एकदम से ज़्यादा न आए। और ऐसे फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने नेल को पेंट करना, और हमने ब्रश को ऐसे सीधा रख के नीचे तक खींचना है। और ऐसे ही हम, अगर हमें लगता है कि ब्रश में थोड़ा कम है, तो दोबारा मैंने डिप किया, इसको ऐसे पूरा नेल तक लेके आना है, इसको साइडों से बचा के। ये देखिए, ऐसे हम बार बार डिप करेंगे और उसको साथ से टच करके उसमें से जो एक्स्ट्रा है वो दबा देंगे। देखिए मैंने कितना क्लीनली इसको फर्स्ट जो है अपना कोट लगाया है। ये ब्रश हमने, ये फ्रंट साइड है जो नेल की, इसको कवर करना है। कई बार हमें नज़र आती है ये वाइट वाइट सा नेल, तो हमें ये नीचे तक ब्रश को ऐसे करके, ब्रश को पकड़कर हमने ऐसे नीचे तक लेके आना है। इससे बहुत फिनिशिंग आ जाती है और अच्छा लगता है हमारा नेल पेंट। ऐसे करके हमने साइड से, हमने बचाते हुए साइड को हमें प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो हमें एक्स्ट्रा रिमूव करनी पड़ती है। तो पहले से ही हम ऐसे लगाएंगे इसको। तो ऐसे करते हुए हम अपने सभी नेल्स को जो है पेंट कर लेंगे, नेल पेंट लगा लेंगे। देखिए ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। पहले शेक कर लीजिए नेल पेंट को खोलने से पहले अच्छे से, ताकि हमारा लिक्विड जो है सारा एक जैसा निकले, जैसे कि समर्स में होता है। ये देखिए हमने सभी अपने नेल्स को ऐसे ही पेंट करना है, ऐसे रख के ऐसे नीचे तक लाना है साइड से बचाते हुए। देखिए कितने नीट एंड क्लीन मैं ये लगा रही हूँ, आप देखिए गौर से, ज़रा भी मेरे को एक्स्ट्रा पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही हम सभी नेल्स को अपने लगाते जाएंगे। देखिए चाहे तो आप सेंटर में पहले से लगाइए, क्योंकि जो अगर ज़्यादा आता है तो वो साइड में हम उसको इक्वल कर सकते हैं। जैसे ये अभी मैंने सेंटर से लगाया है, और ये देखिए मैं इसको साइड्स पे आहिस्ता आहिस्ता फैला रही हूँ, ये देखिए, और इसको नीचे तक ला के ब्रश को छोड़ना है ऐसे। देखिए कितना अच्छे से लगाया मैंने पेंट को। और ऐसे ही हमारा ये जो लास्ट वन रह गया है, इसको भी हम ऐसे ही लगा लेंगे। मैं सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ, आप ये देखिए, और इसको नीचे तक ला के छोड़ रही हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा वाला है वो हम फैला सकें अच्छे से। तो ये मेरा सिंगल कोट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको ड्राई होने देते हैं, फिर डबल कोटिंग करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लाइट पेंट है और सिंगल कोट से हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये आपने देखा, हमें जैसे भी लगाना है, जो भी पेंट लगाना है, हमने उसको कैसे ब्रश के साथ उसको लगाना है, तो आपने देखा है। अब हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, और ऐसे ही हम इसके ऊपर दूसरा कोट लगाएंगे। ये देखिए बहुत क्लीन, मेरे को ज़रा भी कहीं पे भी कॉटन या पहुंचने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मैंने बड़े ही नीट एंड क्लीन वे से इसको लगाया है। और ब्रश को नीचे तक लेके जाना है, ताकि हमारा जो सारा पेंट है वो कवर
हो जाए, क्योंकि जब हम फ्रंट से ऐसे कई बार करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि वाइट वाइट नज़र आते हैं नेल्स, तो ये जो हमारी चीज़ है फ्रंट की कवर हो जाती है। इससे नीचे से हमने ब्रश को नीचे तक ला के छोड़ना है। तो अब हम दूसरा कोट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ये देखिए मैंने इससे थंब से स्टार्ट किया था, ये ड्राई हो चुका है। तो ये देखिए दूसरे कोट से फिनिशिंग भी आ जाएगी। है ना, अच्छे से लग गए, है ना। ऐसे ही हमने और नेल्स पे भी लगा लेना है। ये देखिए सेकंड वन पे, ये थोड़ा लाइट शेड्स हैं, ये सूख भी जल्दी जाते हैं, ड्राई भी जल्दी हो जाते हैं। ऐसे ही हमने इस पे लगाना है। ये देखिए ऐसे उसको, ब्रश को मैं बार बार डिप कर रही हूँ ताकि फ्रेश आए। हमने ये भी ध्यान रखना है कि ब्रश में हमारे हर ब्रश में नेल पेंट होना चाहिए एक जैसा, तो इसलिए मैं बार बार डिप करती हूँ और उसको साइड से लगा के टच करके उसको थोड़ा हल्का कर लेती हूँ ब्रश को, ताकि फ्रेश भी निकले और हमारा एक्स्ट्रा भी ना आए। अगर आपको लगता भी है थोड़ा सा कहीं से निकल आता है, तो ज़्यादा नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत ही, वो आप तभी उसी टाइम दूसरे हैंड के नेल से आप उसको जो है रिमूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा थोड़ा सा जो है वो बाहर आ गया है, तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा फिंगर से इसको नेल से रिमूव करके कॉटन से पोंछ लूँगी। ये साथ में मैंने रखा हुआ है, हम इसको पोंछ लेंगे। अगर थोड़ा सा भी, मैंने इसको डायरेक्ट नहीं लगाया है अपने नेल से, या आप किसी भी बारीक चीज़ से साइड से आप एक्स्ट्रा को निकाल दें अगर थोड़ा बहुत भी लग जाता है, वैसे लगने के चांसेस कम ही रहते हैं। तो ये देखिए हमारा डबल कोट हो चुका है और ये बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन लगा है नेल पेंट। तो आप भी इसी तरीके से लगाइए नेल पेंट को, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए और ऐसे ही नेल पेंट लगाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।